नमस्कार, मैं शिवानी सिंह, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ द आर में। आइए नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि शहीद दिवस पर हम महात्मा गांधी और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनसे देशवासियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आज से अनशन शुरू कर दिया। अनशन पर बैठने से पहले अन्ना हजारे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लोकपाल कानून को लागू न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकपाल कानून बने 5 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने इस पर सिर्फ बहानेबाजी की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दिल में अगर होता तो वह जरूर लोकपाल लाते। वहीं पाकिस्तानी सूफी सिंगर राहत फतेह अली खान एक बार फिर से मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें विदेशी मुद्रा की तस्करी के मामले में नोटिस जारी किया है। ईडी के नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ये नोटिस FEMA के उल्लंघन के मामले में मिला है। खबरों के अनुसार राहत फतेह अली खान ने अवैध तरीके से $3,40,000 अर्जित किए हैं। आरोप है कि इस रकम से उन्होंने $2,25,000 की राशि स्मगलिंग के जरिए भारत लाई है। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने सिंगर से जवाब मांगा है। अगर जांच एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें अवैध तरीके से लाई गई विदेशी धनराशि पर 300% जुर्माना देना होगा। अगर वे जुर्माना नहीं देते तो उनके खिलाफ भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंभ में स्नान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे लेकर गहरा तंज कसा है। तस्वीरों पर कमेंट करते हुए कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस तस्वीर में जितने भी लोग हैं वे सब नंगे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रयागराज में पूरी यूपी कैबिनेट की बैठक हुई हो। यूपी सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम के बेटे और INX मीडिया मामले में घिरे कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कार्तिक को 5, 6, 7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने की तारीख दी है। बुधवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कार्ति अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले 10 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। इसके बाद वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन यह सब उन्हें कानून के दायरे में रहकर करना होगा। तो ये थी अब तक की 5 बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पत्रिका के साथ। नमस्कार।